As the markets expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने डिमांड किया और बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश की ताकि सिल्क प्रोडक्शन जो डिमांड बढ़ते जा रहा है उसे मीट किया जाए. हजीरबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर द संतालाज रेड कुकूंस. कुकूंस एक एनिमल है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे संतालाज रेड रेड यानी कि उनकी देखभाल करते थे एक एक झारखंड वाले एरिया में. द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कुकूंस. ठीक है, तो ये जो ट्रेडर्स होते थे जो सिल्क के साथ डील करते थे वो लोन देते थे ट्राइबल लोगों को और उनके कुकून ले लेते थे. द ग्रोवर्स व पेड ₹3 to ₹4 फॉर 1000 कोकून्स. और यही ग्रोवर्स जो थे 3 से 4 रुपये उन्हें दिए जाते थे 1000 कोकून्स के लिए. ओके, दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बुर्दवान और गाया वेर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस. और इन्हें बेचा जाता था बुर्दवान या गाया में जहाँ पे 5 गुना ज़्यादा दामों में उन्हें बेचा जाता था. द मिडिल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोअर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स. इस वजह से जो मिडिल मैन जिसे हम कहते हैं ये जो डील करते थे बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द इम्पोर्टर, इस वजह से उनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते थे. ऑफकोर्स अगर कोई चीज़ 5 गुना ज़्यादा बेची जाए तो प्रॉफिट तो होगा ही. द सिल्क ग्रोअर्स अर्नड वेरी लिटल. और ये सिल्क ग्रोअर्स जो थे वो काफ़ी कम कमाते थे. अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स और द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज. इसलिए बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स में जो मार्केट में थे वो ट्रेडर्स उनके लिए बहुत बड़े दुश्मन थे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 47 पे हैं. द सर्च फॉर वर्क. द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन वर्स. जो ट्राइबल्स में थे स्टूडेंट्स वहाँ पे उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता था अपने घरों से ताकि उन्हें थोड़ा बहुत काम भी मिल जाए. तो उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी. फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री. 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन चालू हो गया था स्टूडेंट्स, इस वजह से माइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो गई थी. ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल्ड माइन्स ऑफ झारखंड. ट्राइबल्स रिक्रूट किए गए थे बहुत ही बड़ी तादाद में ताकि वो टी प्लांटेशन आसाम में और कोल माइन झारखंड में काम कर सके. दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम. और रिक्रूटेड कॉन्ट्रैक्टर्स करते थे जिन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे ये प्लांटेशन करने के लिए स्टूडेंट्स, और उनको घर भी नहीं भेजा जाता था वक्त पे. अ क्लोजर लुक. थ्रू द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरीज द ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज. 19th एंड 20th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रांतों में इसके ऊपर लड़ाई करने लगे कि ये चेंजेस बार बार क्यों हो रहे हैं लॉज में और उनको रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जा रहा है वो सारी चीज़ों से जो वो हमेशा से करते आ रहे थे. द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. नए टैक्सेस जो उन्हें पे करने पड़ रहे थे और जो एक्सप्लॉयटेशन यानी उनके उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स का वो काफ़ी ज़्यादा था. The Coles rebelled in 1830 and 32. Santalas rose in revolt in 1855. The Bastar rebellion in central India broke out in 1910 and the Warli revolt in Maharashtra in 1940. So, ये सारे dates दिए students कब कब कैसे कैसे situations में revolt शुरू हुए. The moment that Brisa led was one such moment. जहाँ पे Brisa का moment हुआ था वो एक बहुत ही यादगार moment कहा जाता है. Birsa Munda. Birsa was born in the mid-1870s. The son of a poor father, he grew up around the forest of Bohonda, gazing sheep, playing the flute and dancing on the local akhara. So, उनका वो कहाँ पे बड़े हुए थे? Forest Bohonda में. वहाँ पे sheep को वो चारा देते थे, flute करते थे, नाचते खेलते थे. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. वो काफ़ी गरीब थे इसलिए उनके पापा को यहाँ वहाँ काम के लिए भटकना पड़ता था. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sidas, leaders of the community, urging the people to revolt. ठीक है, जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे Birsa ने कहानियाँ सुनी थी मुंडा अपराइजिंग्स की पास्ट में, और सीरदास यानी जो लीडर्स थे कम्युनिटी के वो लोगों को बता रहे हैं कि क्यों हमें इस अहिंसा के खिलाफ खड़े रहना चाहिए.
They talked of a golden age where the Mundas had been free of the oppression of the Kus. ऐसे एज के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पे मुंडास काफ़ी फ्री थे कोई भी काम करने से दीकू से. एंड सेड देयर वुड बी अ टाइम वेयर द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड. और एक वक्त आएगा जहाँ पे ये सारे लोग अपने 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 वतन चले जाएंगे और हम हमारा काम वापस अच्छे से कर पाएंगे. दे सॉ देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन. वो अपने आप को एक बहुत ही सुपर हीरो की तरह मानते थे कि वो जाके सब कुछ ठीक करके आएंगे. फाइटिंग फॉर द लैंड, अपने लैंड के लिए लड़ते थे. मुल्क की लड़ाई, रिमाइंडेड पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम. रिमाइंड करते थे लोगों को कि आपको आपका जहाँ और वतन वापस जीतना है. बीरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ मिशनरीज. बीरसा एक लोकल मिशनरी स्कूल में जाते थे और उनके सीरमन्स यानी कि जो कथा होती थी वो सुनते थे. देयर टू ही हर्ड इट से दैट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेंड द किंगडम ऑफ हेवन एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स. उसमें भी वहाँ पर यही बताया जाता था कि पॉसिबल है मुंडास को अपना किंगडम वापस जीत ले और उनका जो राइट्स उन्होंने लूज़ किए हैं उसे वो वापस रिगेन कर ले. दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस. ये तब हो सकता है जब वो अच्छे क्रिश्चियंस बने और अपने सारे गंदे काम पीछे छोड़ लें. लेटर बीरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ अ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर. फिर बाद में बीरसा ने बहुत ही ज़्यादा टाइम बिताया कंपनी के प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर यानी कि जो विष्णु को मानते हैं स्टूडेंट्स. ही वोर द सीक्रेट थ्रेड एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पायटी. उन्होंने भी थ्रेड पहना जो काला धागा जिसे कहते हैं और वो भी मानने लग गए कि प्योरिटी एंड पायटी कितना ज़रूरी है, मन का साफ होना और अच्छा काम करना कितना ज़रूरी है. बीरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी ऑफ द आइडियाज़ ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स. His movement was aimed at reforming tribal society. बीरसा बहुत influence थे और बहुत लोगों के ideas से जो he came in touch with his grown up years. His movement जो था was aimed at reforming tribal society. उनको अपनी tribal society को वापस हक दिलाना था. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. तो उन्होंने क्या किया, मुंडास को बोला कि आप दारू पीना छोड़ दो, अपने शहर को क्लीन रखो, गाँव को क्लीन रखो और जो काला जादू है इस सब में विश्वास करना छोड़ दो. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बीरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स. और बीरसा भी ऐसे थे जो मिशनरीज के खिलाफ और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ खड़े थे. ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेज दैट वर रूइनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ. उन्होंने देखा कि वो एक ऐसे लोग हैं जो मुंडा का जीने का तरीका बदलना चाहते हैं. In 1895, बीरसा urged his followers to recover their glorious past. ठीक है, 1895 में बीरसा ने अपने followers से कहा कि हमें अपने past के बारे में देखना चाहिए. He talked of a golden age in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived in a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchids, practiced cultivation to earn their living. तो वहाँ पे ये बता रहे हमें हमें past में देखना चाहिए जहाँ पे हमारी life काफ़ी अच्छी थी. हम टेम्पल कंस्ट्रक्ट करते थे अपने लिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास थे, ट्रीज प्लांट करते थे, ऑर्किड्स प्लांट करते थे, बाग बगीचे बनाते थे, कल्टीवेशन करते थे और उसके बेसिस पे हम अपना गुजारा करते थे. दे डिड नॉट किल देयर ब्रदर एंड रिलेटिव्स. वो कभी अपने घर वालों को कभी मारने की उन्होंने कोशिश नहीं की. दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो काफ़ी अच्छे से रहे. बीरसा ऑल्सो वॉन्टेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स. बीरसा चाहते थे कि वो अपने लैंड पे काम करे और कल्टिवेट करे अपने खुद के फील्ड्स को. वॉट वरीड ब्रिटिश ऑफिसर्स मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बीरसा मोमेंट, फॉर इट वॉन्टेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंड लॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप अ मुंडा राज विद बीरसा एट इट्स हेड. ब्रिटिश ऑफिसर्स को सबसे ज़्यादा वरी ये कर रहा था कि पॉलिटिकल जो एम्स है बीरसा मोमेंट के, ठीक है, उन्हें कम करना चाहते थे, निकालना चाहते थे और मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो सेटअप किया था मुंडा राज, बीरसा उनके सबसे टॉप पे थे, हेड थे. द मोमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेस एज द कॉज ऑफ द मिजरी द मुंडाज आर सफरिंग. और ये मोमेंट इसीलिए किया गया ताकि आइडेंटिफाई यानी पता लगाएं ये सारे जो रीज़न हो सकते हैं जो इनकी लाइफ मिजरी मिजरी यानी कि मुश्किल बना रहे हैं मुंडाज की लाइफ और उन्हें सफ़र कर रहे हैं यानी उन्हें पीड़ा पहुँचा रहे हैं.
The land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their land and missionaries were criticizing their traditional culture. ये जो land policies थे British के वो destroy कर रहे थे उनका traditional land system, और जो Hindu landlords थे और moneylenders थे वो पूरा हिस्सा, उनके खुद का हिस्सा, उनके land का हिस्सा लेना चाहते थे. वो criticizing their traditional culture. Criticizing यानी कि उनकी निंदा कर रहे थे कि आपका culture ठीक नहीं है. As the movement spread, the British officials decided to act. जैसे ही मोमेंट आगे अलग अलग प्रांतों में बढ़ता गया, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि अब इस पे काम करेंगे. दे अरेस्टेड बीरसा इन 1895. बीरसा को अरेस्ट किया गया 1895 में. कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 ईयर्स. कन्विक्टेड यानी उन्हें दोषी पाया गया कि वो राइट राइट यानी कि बड़े बड़े लोगों का जुलूस निकाल रहे हैं, और उन्हें जेल में बंद किया गया 2 सालों तक. When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. वापस वो वही करने लगे, वो villages में जाकर लोगों का support लेने लगे. He used traditional symbols and language to rouse people. और अपने sign language में लोगों को बताने लग गए, urging them to destroy Ravana. उनको बताने लगे कि हमें रावणा को डिस्ट्रॉय करना है. डीकूज एंड द यूरोपियंस, जिसका रावण उनके लिए था डीकूज एंड यूरोपियंस, एंड एस्टैब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप. और वापस हम अपना वतन जहाँ बनाएंगे और उनके लीडरशिप पे. बीरसाज फॉलोअर्स बिगेन टारगेटिंग द सिम्बल्स ऑफ डीकू एंड यूरोपियन पावर. बीरसा के जो फॉलोअर थे वो टारगेट करने लगे सिम्बल्स ऑफ डीकू एंड यूरोपियन पावर को. दे अटैक पुलिस स्टेशन एंड चर्चेज एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स. वो अटैक करने लग गए पुलिस स्टेशन को, चर्चेस को, और जो प्रॉपर्टी थी मनी लेंडर्स की उन्हें रेड उस पर रेड करने लग गए. दे रेज द वाइट फ्लैग एज द सिम्बल ऑफ बीरसा राज. और बीरसा राज का फ्लैग कौन सा था स्टूडेंट्स? वाइट कलर का. In 1900, Birsa died of cholera and the movement faded out. Birsa की मृत्यु हुई कोलेरा की वजह से, और उनका मूवमेंट जो था, आंदोलन जो था, वो घटते गया. However, the movement was significant in at least 2 ways. The movement was good in 2 ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by Dikus. एक हम उन्हें फोर्स किया गया कॉलोनियल गवर्नमेंट को कि ऐसे लॉ बनाए ताकि जो लैंड है जो ट्राइबल लोगों का है वो कभी भी इतनी आसानी से डिकूज ना ले पाए. सेकेंड, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल. और ये भी बताया गया कि ट्राइबल लोगों में भी पावर है, कैपेसिटी है कि वो इस अहिंसा के खिलाफ खड़े रहें और अपना गुस्सा दिखाए कॉलोनियल रूल के प्रति. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. और उन्होंने अपने तरीके से किया, अपने खुद के rituals बनाए और अपने symbol of struggle, यानी कि जो white flag था वो उनके symbol of struggle का एक हिस्सा था students. Thank you. आइए students कुछ important dates देख लेते हैं. 1831 to 32, the Coles rebelled against the colonial forest laws. 1855, Santalas revolt against the British. Mid-1870s, Birsa was born. 1971, the British passed the Criminal Tribes Act. 1895, Birsa was arrested. 1897, Birsa was released. 1900, Birsa died, or Birsa died because of cholera. ये हमने सीखा है. 1906, Songram Sangma revolted in Assam. 1910, the Bastar Rebellion in Central India broke out. 1930, the Forest Satyagraha in the Central Provinces. 1940, the Varli Revolt in महाराष्ट्र. थैंक यू स्टूडेंट्स.